इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। और क्या है वो? आप सब इतने समझदार हैं कि आप समझ जाएंगे कि नेताजी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए इस देश में किसी ने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। और क्या है वो? आप सब इतने समझदार हैं कि आप समझ जाएंगे कि नेताजी के बारे में और ज्यादा जानने के लिए इस देश में किसी ने। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज है पोला, पोले की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पोला जो त्यौहार है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है और ये खास किसान लोगों के लिए होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि किसी मेरे व्यूवर्स है, उन्होंने मुझे पूछा था कि ये पोला क्या होता है। मुझे लगता है कि मुझे जो बाहर से लोग देखते हैं उनको नहीं पता है, तो बता दूँ, ये जो किसान लोग होते हैं जो साल भर किसानी करते हैं और उनके जो बैल होते हैं ना, जो उनका साथ देते हैं, तो वो उनके लिए होता है ये त्यौहार, बैलों के लिए। किसान लोग जो है ये त्यौहार पूरे दिवाली के जैसा मनाते हैं, बोलो कि बैल की जो है दिवाली है, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बैलों को सजाया जाता है, उनकी जो है करैली, मतलब वो भरता है, क्या बोलते, मेला, और फिर उसके बाद वो घूमते हैं, ऐसा करके रहता है। तो वैसे ही जो है बच्चों के लिए होता है, जो दूसरे दिन होता है ताना पोला बोलते, जिस दिन आपको ये वीडियो मिलेगा उस दिन की बात कर रही हूँ मैं। मैं हंसिका के बैल के लिए भी सामान लेके आई हूँ, और ये हंसिका का बैल जो है ना, वो जब छोटी थी जब का है, तो उसके डेकोरेशन के लिए सामान ले आई हूँ मैं। पुराना सामान जो है ख़राब हो चुका है, तो बस हंसिका उसी की तैयारी में लगी हुई है। जब से उसने देखा है कि मुझे क्या है, मैं करूँगी ऐसा वैसा करके, बच्चे तो वैसे ही रहते हैं ना। तो आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पूरनपोड़ी की थाली, जो पोले में पूरनपोड़ी बहुत महत्व रखती है, पूरनपोड़ी का ही खाना बनता है। ये मैं लास्ट ईयर भी शेयर कर चुकी हूँ, आपने अगर नहीं देखा है तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाया है, तो प्लीज़ वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा लास्ट ईयर की वीडियो में। इस साल तो कुछ भी नहीं था, जैसे वो मेला वगैरह भरता है, कुछ भी नहीं भरा है, फिर भी त्यौहार जो है त्यौहार के जैसे ही मनाया जाना चाहिए। तो हंसिका यहाँ कर रही है अपने बैल के साथ मस्ती, तो चलिए मैं जाती हूँ खाना बनाने। तो आप भी देखिए वीडियो को, प्लीज़ पूरी देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड फैमिली से भी शेयर कीजिएगा। चलिए बनाते हैं खाना। मैं आ गई किचन में खाना बनाने। मैं पूरन पोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले जो है दाल जो चने की मैंने 3-4 पानी से धो लिया था, और इसको जो मैं 4 से 5 सीटी लगा लूँगी। मैंने इसमें पानी जो है ज़्यादा डाला हुआ है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ कटा ची आमटी, जो उसका पानी निकलेगा ना उसकी आमटी, या फिर आप उसको दाल बोल लीजिए, सालन बोल लीजिए। और जब तक इसको 4-5 सीटी आती है, मैं तब तक टमाटर प्याज वगैरह दूसरी तैयारियाँ कर लेती हूँ। मैं इसी तरह से खाना बनाती हूँ, इससे क्या होता है जल्दी बनता है। यहाँ पर मेरी दाल जब तक पक रही है तो मेरे प्याज टमाटर भी कट गए थे, और मैंने आटा भी गूंथ लिया है। पूरन पोड़ी बनाने के लिए जो आटा होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट चाहिए रहता है, तो उसी हिसाब से जो है मैं उसको पहले ही गूंथ के रख लूँ, ताकि मुझे सॉफ्ट मिले आटा। यहाँ पे मेरी दाल जो है पक चुकी है, तो मैं यहाँ आई हूँ कढ़ी बनाने। और कढ़ी जो है ना, महाराष्ट्र में हर त्यौहार में जो है कढ़ी बनती ही है। तो कढ़ी मैं हमेशा शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। आज जो है मेरे पास हरी मिर्च नहीं है, तो मैं लाल मिर्च से बना रही हूँ। मैं कढ़ी में ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, इसमें सूखी मेथी के दाने भी डलते हैं, अदरक भी डलता है ऐसे ही ठेज के, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरी कढ़ी को जो तड़का लग चुका है, मैं जितना पानी चाहिए मैं उतना उसमें डाल दूँगी, और नमक और हल्दी। और कढ़ी को जो ना अच्छे से कड़ाओ तो तभी वो कढ़ी बनती है, मतलब अच्छी लगती है। यहाँ मेरी कढ़ी जो है रेडी है, और मैं भी बनाऊंगी सब्जी। और सब्जी के लिए भी मैंने कोई तैयारी करके नहीं रखी है, मैं इसी तरह करूंगी। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है, यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने। सब्जी के लिए जो है ना मेरे पास मसाला रेडी नहीं है जिंजर गार्लिक के अलावा, तो मैं यहाँ प्याज काट ले रही हूँ, पीस ले रही हूँ। और इसमें मैंने एक बड़ी इलायची, कलमी, थोड़ा सा धनिया, शाही जीरा, ऐसे मसाले डाले हुए थे, और इसे मैंने मिक्सी में फाइन पेस्ट कर लिया है।
और यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो गया। मैं इसी तरह से काम करती हूँ, जल्दी जल्दी होता है। इसे मैंने एक तेज पत्ता और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाला है और मैं इसमें साथ ही साथ प्याज डाल दी। मेरी हर ग्रेवी वाली सब्जी में जो है ना कस्तूरी मेथी रहती है। यहाँ मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, वो भी ख़त्म हो गए। मुझे दूसरी सब्जी के लिए जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट भी लगने वाला है। क्या मैं आलू भी काट रही हूँ जब तक कि मेरा जिंजर गार्लिक और प्याज भून रहा है जब तक। और यहाँ पे अच्छे से मसाला भून चुका है तो मैं इसमें सारे सूखे मसाले डाल दूँगी। सूखे मसाले भी ऑयल में अच्छे से भुन गए थे तो इसमें डाल दिए टमाटर और थोड़ा सा पानी और इसे अच्छी तरह मैं भुनने दूंगी। मसाले कच्चे रहे तो बहुत ही बेस्वाद सा लगता है। मसाले जब तक अच्छे से भुनते हैं जब तक अच्छा नहीं लगता। मसाले भुनते जब तक मैंने जो दाल जो है ना उसको छान लिया है, उसका कट निकाल दिया है। जो हमको आमटी बनानी है कटाची आमटी, उसके लिए भी पानी निकाल दिया मैंने। और ये दाल जो है मैं मिक्सी में पीस लूँगी। वैसे लोग कढ़ाई में पहले इसको डाल के शक्कर डाल के जो है पहले पाका सानना बोलते हैं उसको, पाका सला लेते हैं फिर जो है पीसते हैं। तो मैं इसको पहले जो है पीस लूँगी फिर कढ़ाई में इसको पाक लाऊँगी शक्कर डाल के। और थोड़ी सी दाल मैंने बचा दी है आमटी बनाने के लिए, उस पानी के साथ जो है मैं उसको भी पीस लूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है तो मैं इसमें डाल दूँगी आलू और नमक। वैसे मैं ऐसे ही पकने लूँगी, जब मुझे लगेगा कि आलू पक चुके हैं तो मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए मैं कर लूँगी। यहाँ पे मैंने दाल जो है पीस के ला ली है, अब मैं इसे डालूँगी कढ़ाई में और स्वाद के हिसाब से जो है शक्कर। अभी एकदम पतला सा होने लगा है, इसको चलाते ही रहना है। और जब तक जो है मैं इसको मिक्सी में निकाल ले रही हूँ जो पानी निकला था, थोड़ी सी दाल जो थी फाइन बना रही हूँ उसको। आमटी भी बनानी है हमें तो मैं पीस के ला लिया है। इसी तरह साथ ही साथ काम करते रहो तो जो है जल्दी हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे हमें इलायची पाउडर और जायफल डालनी है, तो मैं पाउडर बना के नहीं डाल रही इलायची का, वैसे ही डाल दी मैंने फुला करके। तो पूरन जो ऑलमेस्ट रेडी है, अभी भी गीला लग रहा है लेकिन ठंडा होने पर और सख्त हो जाएगा। अरे यहाँ मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। यहाँ मैं आमटी बना रही हूँ कटाची आमटी। तो मैंने इसमें जो है ऑयल गर्म करके थोड़ा प्याज डाल दिया था, थोड़ा कड़ी पत्ता और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने अभी रेडी किया था तुरंत ख़त्म हो गया था। तो अरे थोड़ा तेज ना मिर्च थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, अच्छा लगता है। इसमें आमचूर पाउडर वगैरह डालना चाहिए, टमाटर भी डाल सकते हैं बट मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला था। थोड़ा सा खट्टा तीखा अच्छा लगता है और थोड़ा सा गुड़ वगैरह भी डाला जाता है बट मैं नहीं डालती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है सिंपल, आप भी कभी ट्राई कीजिए। और ये मसाले भून रहे हैं और मैं इसमें थोड़ा सा जो है पानी उसी का डालूँगी भूनने के लिए, दूसरा पानी नहीं यूज़ करूँगी। टमाटर रहते तो ज़्यादा लगते नहीं है मसाले, पर बिना टमाटर के मसाले जल्दी लग जाते हैं। इसे अच्छे से ऑयल छूटने दूंगी। अब इसमें डाल दूंगी मैं पूरा जो मैंने पीस के रखा हुआ था ना, इसे मैंने सारा डाल दिया और इसको अच्छे बॉईल आने देना है। और स्वाद के हिसाब से जो है नमक। और जब ये अच्छे से बॉईल आ जाएंगे, इसका झाग निकल जाएगा, तो इसमें हरा धनिया डाल दूंगी मैं।
और पूरन जो है वो भी ठंडा हो चुका है, तो मैं पूरन पोड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आटा भी जो है अच्छा सॉफ्ट हो गया है। पूरन पोड़ी बनाने के लिए सिर्फ जो आटा है ना वही अच्छा सॉफ्ट चाहिए, जो पूरन की जो स्टफिंग है वो सख्त होनी चाहिए थोड़ी, और आटा उससे दोगुना सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जितना आटा ले रही हूँ आटे की गोली, उससे डेढ़ गुना जो है मैं पूरन का गोला लूँगी। और इसे हम ना जैसे आलू की स्टफिंग जैसे भरते हैं ना, बस वैसे ही भरना है। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है पूरन पोड़ी फटती है, अगर आप आटा जो है ना सॉफ्ट लेंगे तो कभी नहीं फटेंगी। अभी दिखाती हूँ बना के, बिल्कुल भी नहीं फटती है। और आटे में आप थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं कलर के लिए, येलो के लिए, बट मैं इसी आटे से जो है रोटी बनाने वाली हूँ इसलिए मैं इसमें जो है हल्दी नहीं डाला है। इस तरह कटोरी बना के मैं उसमें कटोरी में जो है गोला लेके उंगलियों की मदद से जो है बंद कर दूँगी, और जितना हो सके मैं इसको ना हाथ से फैलाने की कोशिश करूँगी और फिर हल्के हाथों से जो है बेल लूँगी। देखिए कितनी पतली और बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है, बिल्कुल भी नहीं टूटी है। इसमें जो पूरन जो है दिख रहा है उसमें येलो येलो बाहर, इसी तरह से जो है मैं दूसरी रोटी भी बना लूँगी। और आप घी अगर पसंद नहीं करते तो तेल से सेकिए, लेकिन घी से सेकी हुई ना बहुत ही अच्छी लगती है, या फिर बटर से भी सेक सकते हैं, पर सच मानो तो इसे घी से ही सेका जाता है। और जो आटा है वो आप मैदा भी ले सकते हैं, या फिर आटा मैदा दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ से आटा लिया। मैं आटे में ही बनाती हूँ, मैदा मिक्स नहीं करती या फिर मैदे की नहीं बनाती। ये देखिए इतनी परफेक्ट बनी है कि हाथ से भी मतलब पलटाने में टूट नहीं रही है। एक साइड से जब थोड़ा सा हो जाएगी तो मैं इसमें पलटा के जो इसमें घी लगा दूँगी, और दूसरे साइड से भी सेम वैसे ही। देखिए येलो येलो दिख रहा है पूरन जो स्टफिंग बाहर दिख रही है आर पार, पर टूटी नहीं है। दोनों तरफ से जो है घी लगा के अच्छे से गोल्डन कर लूँगी मैं क्रिस्पी सा। यहाँ जो है मेरी रोटी रेडी हो गई है, इसी तरह मैं और भी बना लूँगी। ये गरम अच्छी लगती है खाना खाते वक्त, इसमें गरम गरम रोटी में गरम थोड़ा सा घी डाल दो और भी मज़ा आ जाता है। इसी तरह और भी रोटियाँ सेक लूँगी, और फिर मैं यहीं पे जो है तुरंत सादी रोटी भी बना लूँगी। भैया जो है पकौड़े फ्रेश पकौड़े बनाने वाली, वो जो गरम ही अच्छे लगते हैं खाना खाते वक्त, तो भगवान के लिए जो निकालना है तब थोड़े से निकाल लेती हूँ, हमेशा ऐसे ही करती, और बाद में जो है खाते वक्त गरम बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी सादी रोटियाँ सीख रही है। अरे यहाँ पे मेरे बन रहे हैं पेच के पकौड़े, मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने दाल भी बनाया था, वो मैंने नहीं दिखाया, सादी दाल भी बनी हुई थी। तो बस आज की वीडियो जो है इतनी है, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड फैमिली से भी शेयर कीजिएगा। ये पूरन पोड़ी थाली।
रेडी है पोला स्पेशल, रोटी, पूरन पूड़ी, कटा चियामटी, आलू की सब्जी, दाल, कढ़ी, चावल और प्याज पकौड़े। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी पोला ऑल ऑफ यू।